Okay, so we have already done four types of bones of brick masonry. So we have done that stretcher bond, header bond, English bond, and single and double Flemish bond. So next we have other types of bond that we use very rarely, and these are also very important in brick masonry. So let me just share the screen now. Okay, I hope you're able to see the screen. So we have already covered these four types of bonds. Okay, obviously we have done the single Flemish bond as well. So आगे आपका जो next bond जो आएगा that is related to the previous one also, but हम उन different different bonds का use करके and then we will make a new bond. So आपने English bond के बारे में पढ़ लिया है, Flemish bond के बारे में पढ़ लिया है, then we will move on to the next one. So we have the गार्डन वॉल बॉन्ड. सो ये आपका ये जो टाइप है जो आपका बॉन्ड का, ये आपका नॉर्मली जहाँ पे आपकी गार्डन जो बने होते हैं उनकी वॉल के वहां पे बनेगा, वहां पे ये यूज होता है. या फिर कंपाउंड वॉल जो होते हैं, कंपाउंड वॉल का मतलब ये होता है कि दो वॉल्स को एक साथ बनाना, तो कंपाउंड इसका मतलब ये होता है. और फिर बाउंड्री वॉल का मतलब ये है कि कहीं कोई एरिया है उसकी बाउंड्री बनाने के लिए, तो उस तरह की जो वॉल हम कंसिडर करते हैं वहां पे ये गार्डन वॉल बनती है. और इस ये जो वॉल जो बनती है आपकी, ये जो बॉन्ड जो बनेगा, ब्रिक्स का जो बॉन्ड बनेगा वो आपका इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड जो है उन दोनों का यूज करके. सो यू कैन सी हियर, तो ये आपका इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड है. सो इसमें आपने इंग्लिश जो आपका प्रोसेसर है वो भी आपने इसमें यूज करा है, और एज वेल एज ये फ्लेमिश में आपका ये हैचेज आते हैं, तो आपने ये फ्लेमिश का भी इसमें यूज किया है. तो ये आपका इस टाइप का जो बॉन्ड आपका जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज दी गार्डन वॉल बॉन्ड. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट हाउ डज इट लुक लाइक इन रियल. आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ. सो आपका जो गार्डन की जो वॉल होती है, ये आप देख सकते हो इस तरह की जो वॉल जो आपकी बनती है, ठीक है, ये एग्जैक्ट तो नहीं है, बट इस तरह की आप जो गार्डन की जो बाउंड्रीज होती है वहां पे ये बनाई जाती है. और सिमिलरली आपका एक ये भी है कि ये आप देख सकते हो, तो ये आपकी कंपाउंड वॉल है. सो इस केस में आपका आप देख सकते हो कि ये एक के ऊपर एक बना रखी है, तो कट्ठी एक साथ बनाई हुई है इसमें वॉल्स वगैरह जो है. और एक आपका आता है जो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी कंपाउंड वॉल, गार्डन वॉल, एंड वन मोर आई थिंक दी लैपटॉप इज बीइंग हैक्ड, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो आप देख सकते हो जैसे ये तो फेसिंग बॉन्ड है, बट आपने जो ये देखा है अभी रिसेंटली, तो उसमें आपकी जो वॉल्स हम यूज करते हैं उसमें जो ब्रिक्स का जो बॉन्ड होता है वो हम गार्डन, कंपाउंड वॉल और बाउंड्री वॉल्स भी हम यूज करते हैं. तो इसमें आप इंग्लिश और फ्लेमिश दोनों का यूज करेंगे. सो ये कुछ इस तरह का उसका अरेंजमेंट आपका दिखता है. उसके बाद आपका जो ये आपका इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड है और ये आपका फ्लेमिश गार्डन वॉल. तो इसमें आपने इंग्लिश का जो आपका जो क्राइटेरिया रहता है वॉल बॉन्ड का, वो आपने इसमें यूज करा है. और सिमिलरली आपका फ्लेमिश जो वॉल बॉन्ड है वो आपने इसमें यूज किया है. देन आपका नेक्स्ट जो है ये आपका आता है फेसिंग बॉन्ड. तो फेसिंग बॉन्ड आपका जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, बट ये ज्यादा यूज नहीं होता है इन दिस केस. लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो हेडर और जो स्ट्रेचर होता है वो सारे सभी के सभी एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका सिमिलर होता है, इक्वल टू दी कॉमन मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिकनेस. तो नेक्स्ट वी हैव दी डच बॉन्ड. सो डच बॉन्ड जो आपकी दिखने में कैसी होती है, दिस इज लाइक दैट. जस्ट लेट मी जस्ट शो यू दैट द अनदर वन दैट आई हैव ऑलरेडी सर्च ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग दिस. सो
सो ये आप यहाँ पे दे सकते हो, ये एलिवेशन है डच बॉन्ड का, यहाँ पे आप देख रहे ये क्रॉसिंग यहाँ पे यूज की हुई है, इधर भी और यहाँ पे यूज की हुई है, बट आपका जो ये पीडीएफ फाइल जो इसमें एंड बस में, इसमें क्रॉसिंग नहीं है, यहाँ पे कहीं रह गई है, तो इसमें क्रॉसिंग भी आपकी रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर जो कोर्स होता है वो आपका 3x4 होता है बैट का, ठीक है, और इसमें जो हेडर जो प्लेस किया जाता है वो आपका 3x4 होता है बैट का। तो इन दोनों केस में स्ट्रेचर एज वेल एज और का आपका जो हेडर होता है वो 3x4 होता है पिक का। तो ये आपका डच बॉन्ड है। देन आपका आता है रैकिंग बॉन्ड। अब रैकिंग बॉन्ड जो होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वॉल को, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो इस केस में आपका क्या रहता है कि इस तरह का आपकी एंगल्स पे आपकी ब्रिक्स लगाई जाती हैं। तो इसमें भी आपकी जो आपकी रैकिंग बॉन्ड है उसमें आपकी टाइप्स हैं। देन वी फर्स्ट वन वी हैव दी हैरिंग बॉन्ड बॉन्ड, तो दिस इज हैरिंग बॉन्ड बॉन्ड। तो आपका इसमें जो ब्रिक्स है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगाई जाती है, और जो डायगोनल बॉन्ड आपका जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है। तो मैं आपको एक बार डायगोनल बॉन्ड भी दिखा देता हूँ कि हाउ डज इट लुक लाइक। सो दिस इज वन। सो ये आपका ये हैरिंग बॉन्ड है, इसमें आपके कुछ एंगल पे ब्रिक्स ऊपर नीचे लगा रखी है डिफरेंट एंगल्स पे, लाइकवाइज जैसे आपका वी शेप होता है, यू नो एंगल पे, दैट इज लाइक दैट। और आपका डायगनल जो है वो आपके ब्रिक्स जो है वो डायगनल लगाई जाएंगी ऐसे इस तरीके से। तो यू कैन सी हियर, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी हैरिंग बोन बोन एंड दी डायगनल बोन। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ दी रैकिंग बोन। नेक्स्ट वी हैव दी जिगजैग बोन। सो जिगजैग के नाम से ये है कि जिगजैग वे में रखी जाएगी। सो यू कैन सी हियर, सो आपका ये दिस वन आपकी एक आपका डायगनल रखी गई है, देन आपका नेक्स्ट वन जो है अदर डायगनल पोर्शन आपका रखा गया है, यू कैन सी हियर। सो दिस इज दी जिगजैग बॉन्ड। नेक्स्ट वी हैव दी इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड। सो इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड है वो आपको बहुत इजीली साउंड प्रोवाइड करता है और इजीली वो स्ट्रेंथ भी गेन करता है, बट वो इंग्लिश बॉन्ड से ज्यादा इजी होता है और अच्छा भी होता है। सो इसमें आप इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसमें इंग्लिश बॉन्ड का यूज करते हैं। तो यू कैन सी हियर, तो इसमें आपका इंग्लिश बॉन्ड यूज किया गया है, बट इसमें बीच बीच में आपकी जो हेडर जो है ये सामने रखा गया है। सो दिस इज दी हेडर, यहाँ पे एच लिखा हुआ है, ये हेडर है, ये दिस इज द सॉरी दिस इज द इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड। लेट मी जस्ट शो यू हाउ डज इट लुक लाइक इन रियल। सो यू कैन सी हियर, तो आपका ये हेडर जो है ये सामने यूज किया गया है बीच बीच में ऑल्टरनेट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी हेडर जो है वो ऑल्टरनेट डायरेक्शन में यूज किया गया है, और बाकी जो ब्रिक्स है वो इन दिस वे दे आर बीइंग लेड, यू कैन सी हियर। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द इंग्लिश कॉर्पोन। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन इज आपका रहता है ब्रिक ऑन एज बॉन्ड और सोल्जर बॉन्ड। तो सोल्जर सोल्जर बॉन्ड से मतलब ये है कि जैसे जो सिपाही होता है वो देश की रक्षा करता है बिल्कुल तन के खड़ा होके, ऑब्वियसली। सो इन दैट केस दिस नेम हैज बीन यूज। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ डज इट लुक लाइक। जस्ट सी हियर, सो यू कैन सी आपका जो नीचे जो है वो आपका जो स्ट्रेचर है वो सामने की तरफ है, फिर आपका स्ट्रेचर हेडर ऐसे लगा है, फिर आपका स्ट्रेचर कॉमन है, फिर स्ट्रेचर हेडर, और आपकी जो ब्रिक्स है वो डायरेक्टली लगाई गई है, ये आपका एक तरह का हो गया। नेक्स्ट भी इसमें इसमें ही आपका जैसे जो रहता है कुछ आपके जो सोल्जर टाइप रहेंगे, जैसे ये आपकी जो ब्रिक्स है ये सारी स्ट्रेट यूज की हुई है। सो इन दिस केस आप भी इसको मतलब यही सेम आपकी लेयर ऊपर भी लग सकती है सिमिलर केस में, देन सिमिलर आप कह लग सकती है, देन सिमिलर आप कह सकती है। सो इट डिपेंड, ठीक है। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं और दिस वन यू कैन ऑल्सो यूज इन दैट डायरेक्शन। तो दिस इज आप बोलोगे सोल्जर कोर्स और सोल्जर बॉन्ड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको कॉलम में यूज करना है तो आप ये बॉन्ड यूज करके आप कॉलम में यूज कर सकते हैं, फिर
फिर आपका आगे आप ब्रिक्स बढ़ाएंगे तो आप वो उसको कहीं यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज, या आपकी यहाँ पे वॉल बना दी, या अगर छोटी वॉल है तो छोटी वॉल में बना सकते हैं, देन इससे बड़ी, देन इससे बड़ी। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्शंस वी हैव और द नंबर ऑफ कॉसेस वी डिजाइन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज कंसिडरेशंस कि आपकी 1-3-5 कोर्स में और 2-4-6 लेयर कोर्स में आपकी कौन कौन सी डायरेक्शन में आपकी ब्रिक्स हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। सो नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन इज द बॉन्ड्स एट जंक्शन। सो जंक्शन के बारे में आपको ऑब्वियसली पता होगा कि जंक्शन आपका जैसे टी जंक्शन होता है, इसको आप टी पॉइंट बोलते हैं। सो आप ये जो आपकी जो वॉल होती है या बॉन्ड होता है, ये इस तरह का बनाया जाता है कि वो टी की डायरेक्शन में दिखे। तो ये आपकी जो स्ट्रेचर है ये बिल्कुल सामने रखी गई है, जिसकी मतलब आपकी जो लेंथ है वो 200 mm है, एंड देन आपका इसके सेंटर में आपका टी पॉइंट बनाया गया है। सो आपकी जो ये दो स्ट्रेचर रखा गया और सामने हेडर, सो इन दिस केस यू विल यूज दिस वन। ठीक है, ऐसी आपका अगर आप एक ब्रिक यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपका ऐसा रहेगा। अगर आप 1.5 ब्रिक यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ऐसे रहेगा कि आपने एक और ये डेढ़ ब्रिक यूज करी है, एक डेढ़, एक डेढ़, एक डेढ़, ऐसे करके आप इसको यूज कर रहे हैं। सो ये दिस इज वन ऑफ द टाइप। देन आपका दूसरा है कि आप जब आप दो ब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टू ब्रिक्स यूज करके आप इसको बना रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट जो आपकी ब्रिक्स है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द टी जंक्शन। देन वी हैव अदर टाइप इज द क्रॉस जंक्शन। सो क्रॉस जंक्शन आपका क्या आएगा कि आपकी फोर लेग्स बन जाएंगी, मतलब एज अ पॉजिटिव साइन यू कैन सी हियर। तो आपका ये इस डायरेक्शन में आपकी ब्रिक्स लगा रखी है, सामने आपका हेडर है, ऐसी स्ट्रेचर आपका ये हेडर है, दिस इज आपका 200 mm, ये 300 mm बन गया आपका। तो ये आपका प्लान बना रखा है। इसी केस में आपका अगर आप उसको दो ब्रिक्स यूज करते हैं तो उस केस में आपका ऐसे रहेगा। तो ये आपका क्रॉस जंक्शन होंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट वी यूज इन द ब्रिक मशीनरी। सो आई होप यू ऑल हैव गॉटन द पॉइंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट। सो मेनली आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेंगी आपकी जो ब्रिक्स में आपकी बॉन्डिंग जो रहेगी, दैट इज आपका ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बिफोर, दैट इज आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश एंड सिंगल फ्लेमिश। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉन्ड दैट वी यूज इन द ब्रिक मशीनरी।